भाई और बहनों राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत। मेरे पास में कई ऐसे ईमेल आए और कमेंट्स में लिखा कि कब्ज हटने की कोई दवाई बताइए। वैसे तो सभी जगह कब्ज हटने की दवाइयां एक से एक पड़ी है, लेकिन क्योंकि उनको सिर्फ उनको बेचना होता है, इसलिए वो इतनी हाई पावर बना देती है कि हमारे पेट में, आंतों में नुकसान भी पहुंचाने लग जाती है। हमें पता नहीं चलता और हम ठीक होने की बजाय ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूं जिसमें आप दवाई बना लोगे और खाओगे तो कब्ज आपकी नहीं रहेगी। दोस्तों, ये कब्ज हमारे शरीर के सभी रोगों की जड़ होती है। कब्ज से हमारा मल सूखने लगता है, आंतों में जमना लगता है, उससे हमारे गैस बनती है, उससे हमारे एसिडिटी बनती है, उससे हमें भूख नहीं लगती, चक्कर आने लगते हैं, नींद की कमी हो जाती है, बदन में दर्द हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है। ये सब कब्ज की वजह से होता है। तो हमारे शरीर में कब्ज क्यों होती है? क्योंकि हम जंक फूड ज़्यादा खाने लग गए हैं। आज हम तली हुई चीज़ें जो उनके पास में बासी पड़ी रहती है, बासी पड़ी रहने से वो ख़राब हो जाती है और वही चीज़ें हमें दोबारा से गर्म करके परोस दी जाती है, हमें पता नहीं चलता, हम खा लेते हैं और वही चीज़ें हमें नुकसान करती है। तो सबसे पहले हमें हमारे भोजन के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसी कोई भी जंक फूड खाने से बचना चाहिए। हमारे शरीर के लिए वक्त का भी ध्यान रखना है कि जब तक पहला खाया हुआ भोजन पचे नहीं तब तक आगे नहीं खाना चाहिए। अगर हम सही भूख के अनुसार खाना खाएंगे तो कभी भी हमारा कब्ज का प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा कि हमारे कब्ज हो गई, हम दुखी हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी कई लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो उनको एक सरल सा उपाय बता रहा हूं कि उसमें आपने क्या लेना है, किस प्रकार उसको करना है, किस प्रकार फिर उसकी खुराक लेनी है, ये सब बताने जा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, कब्ज के लिए पंसारी की दुकान से एक तो बड़ी हरड़ आती है, एक छोटी हरड़ आती है। बड़ी हरड़, छोटी हरड़, आंवला, सनाए, दोनों नमक यानी सेंधा नमक और काला नमक और सौंफ, ये चीज़ें आपको ले लेनी है। आपको ये समान मात्रा में लेनी है, ज़्यादा कम में नहीं लेनी, समान मात्रा में। अगर 50-50 ग्राम ले रहे हो तो सभी चीज़ 50-50 ग्राम लो, और अगर आप 100-100 ग्राम ले रहे हो तो 100-100 ग्राम ले लो। दोबारा बता रहा हूँ, 100 ग्राम आपको बड़ी हरड़ लेनी है, 100 ग्राम आपको छोटी हरड़ लेनी है, 100 ग्राम ही आपको आंवला लेना है, 100 ग्राम आपको सनाई लेनी है, 100 ग्राम ही 50-50 ग्राम दोनों नमक लेने हैं और 100 ग्राम ही आपको सौंफ लेनी है। और इसको आप मिक्सी में ग्राइंड कर लो और कपड़ छान करके किसी एयर टाइट डब्बे के अंदर रख लो जहाँ पे हवा ज़्यादा ना लगे, तो ये आपका सुरक्षित रहेगा। और आपको खाना खाने के बाद में गर्म पानी से रात को सोते वक्त एक चम्मच लेना है, तो सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा, मल खुल के आपका बाहर आ जाएगा और आपको इन बीमारियों से बचा देगा। तो ये सिंपल सा नुस्खा है, आप घर पे बनाएं, आप रखें, आप लेंगे तो आपको कभी भी कब्ज की बीमारी नहीं होगी। थोड़ा सा खान पान पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा, खान पान पे ध्यान रखोगे तो कब्ज होगी ही नहीं, फिर भी अगर हो जाती है तो ये दवाई ले लोगे, आप ठीक हो जाओगे। कई लोगों के बहुत पहले से कब्ज चली आ रही है, उन्होंने कई नुस्खे आजमाए लेकिन वो नुस्खे उनके फेल हो गए।
देखिए वैसे तो बहुत से नुस्खे हैं बाजार के अंदर, आपको अरंडी का तेल मिल जाएगा मेडिकल स्टोर पे, आप अरंडी का तेल लोगे तो अरंडी का तेल आप 4 चम्मच दूध के अंदर मिला के रात को सोते वक्त लोगे तो आपको सुबह खून के लैटिन आ जाएगी, ये भी कब्ज तोड़ने का बहुत अच्छा नुस्खा है। लेकिन इनको लंबे समय तक नहीं ले वरना हमारी आंतें कमजोर हो जाएगी। अब आपको जो पुरानी कब्ज है टूट नहीं रही है, काफी टाइम से कब्ज चल रही है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको लेना है इंद्रायन बेल की जड़। इंद्रायन को राजस्थानी भाषा में तुम्बा कहते हैं, कई भाषाओं में इसको तुम्बा कहते हैं, जो कि खेत की मेड़ों के ऊपर वैसे ही बेल उगाती है और उसके इतने बड़े बड़े संतरे से बड़े सेब से बड़े गोल आकार के फल लगते हैं और देखने में वो मतीरा की तरह लगते हैं। कच्चे होते हैं तो ये हरे कलर के होते हैं और पक जाने पे ये पीले पड़ जाते हैं। तो आप उस बेल की जड़ को निकालना है, फल को नहीं लेना है, आप उसकी जड़ को निकालना है और लगभग आधा किलो जड़ आप इकट्ठी कर लें और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े काट लें। छोटे छोटे टुकड़े काट के उसके अंदर 2 किलो पानी मिला के उबालना शुरू कर दें। जब उसका 200 ग्राम पानी बचता है तब उसको नीचे उतार लें, तब तक उसका सारा का सारा रस जो है वो पानी में आ जाएगा। फिर उसको छन्नी से छान लें या किसी कपड़े से छान लें, अच्छी तरह से छान लें। वो 200 ग्राम पानी होगा, उसके अंदर आप 250 ग्राम अजवाइन ले लो और वो अजवाइन उसके अंदर मिला दो और किसी ऐसे बर्तन में रखो जहाँ खराब ना हो, जैसे कोई कांच का बाउल हो या प्लास्टिक का कोई बाउल हो, उसके अंदर रख के उसको कपड़े से ढक दो ताकि कोई रेत वगैरह ना पड़े। कुछ दिन बाद में वो पानी सूख जाएगा और अजवाइन वो फूल जाएगी, पानी के अंदर रहने से अजवाइन फूल जाएगी। जब पानी पूरा सूख जाए, अजवाइन पानी को पूरे को सोख ले, उस वक्त उस अजवाइन को निकाल के आपको छाया में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है। 7 दिन बाद में वो अजवाइन बिल्कुल सूख जाएगी, तब उस अजवाइन को आप मिक्सी में ग्राइंड करके कपड़ छान कर लेना और उसको किसी डिब्बे में रख देना। और भाइयों बहनों, इसको बिल्कुल कम मात्रा में लेना है, यानी एक चुटकी में जितनी आई उतनी जीभ के ऊपर रख के पानी ले लेना है। सुबह आपको खुल के लैटिन आ जाएगी। जिसके पुरानी कब्ज है वो 2 चुटकी ले सकता है, चम्मच से कभी नहीं लेना। 2 चुटकी अपनी जुबान पे रख के पानी पी लेगा, इसमें कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ और सिर्फ अजवाइन होगी और इंद्रायन की जड़ होगी। और इंद्रायन के बारे में बताया, बहुत कम लोग जानते हैं कि इंद्रायन किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि इसको तुम्बे की बेल कहते हैं और गोल फल लगता है इसके, इतना बड़ा फल लगता है इसके, इतने इतने बड़े हो जाते हैं फल, जो कच्चे होते हैं तो हरे होते हैं और पक्के होते हैं तो पीले पड़ जाते हैं। और इसके रस को अगर तुम्बे को फोड़ के अगर थोड़ा सा उंगली के लगा के चाट लिया तो 3 घंटा तक आपकी जुबान मुंह पूरा खारा रहेगा, ये पहचान होती है इसकी। तो तुम्बे की जड़ का ये चूर्ण अजवाइन के साथ में बनाना है और कोई चीज नहीं डालनी है। और ये आपको चुटकी से लेनी है, चुटकी, एक चुटकी लिया जीभ के ऊपर रखा और पानी पी लिया। पुरानी कब्ज वाला है तो 2 चुटकी लिया और पानी पी लिया, आपकी धीरे धीरे पेट की बीमारियां ठीक हो जाएगी, कब्ज ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको कब्ज खत्म करने का नुस्खा बताया, कैसा लगा मुझे बनाने के बाद में, लेने के बाद में, असर होने के बाद में मुझे
कमेंट द्वारा या मेरे ईमेल पे मेल जरूर करना। मुझे जरूर बताना कि आपके ऊपर कितना असर हुआ, किस प्रकार आपको फायदा किया। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।